हेलो गाइस, वेलकम टू अमद इन्फोटेक। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ऑप्टिकल शॉप के बारे में। अगर आपको भी अपनी ऑप्टिकल शॉप ओपन करनी है, ऑप्टिकल स्टोर ओपन करना है, तो आप किस तरह से ओपन कर सकते हैं उसको, उसमें आपका क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगेगा, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर अभी तक अपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर नेक्स्ट नोटिफिकेशन इजीली मिल पाए, जिससे कि आप हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाए, क्योंकि आपके लिए कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ऑप्टिकल शॉप ओपन करनी है तो सबसे पहले तो आपको एक ऑप्टिकल शॉप लेनी पड़ेगी। ऑप्टिकल शॉप लेने के बाद उसके अंदर आपको डिजाइनिंग करवाना पड़ेगा, फर्नीचर का डिजाइन करवाना पड़ेगा पूरा, कि किस तरह से आपको फर्नीचर बनवाना है, किस तरफ से आपका सनग्लास रहेगा, किस तरह आपका फ्रेम रहेगा, और किस तरफ से आपको पेशेंट आएंगे, किस तरफ से आपका अंदर पूरा टेस्टिंग का पूरा एरिया कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करवानी पड़ेगी आपको। ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करवाने के बाद फिर आपका आपको इंस्ट्रूमेंट लेने पड़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट कौन से लेने हैं ये हम बताने वाले हैं आगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे आपको एक ट्रायल फ्रेम दिख रहा है। तो ये ट्रायल फ्रेम जो है ये इम्पोर्टेड ट्रायल फ्रेम है। वैसे तो आपको नॉर्मल ट्रायल फ्रेम भी आता है, जबकि आपका ट्रायल सेट के साथ आता है, लेकिन ये ट्रायल फ्रेम इम्पोर्टेड है ये, जबकि ये 2 से 2.5 हज़ार रुपये का आता है, ये 2.5 हज़ार 3 हज़ार ऐसे आता है। और ये जो आप दूसरा ट्रायल फ्रेम देख रहे हैं ये आपका नॉर्मल ट्रायल फ्रेम है, जो आपका ट्रायल सेट के साथ भी आता है। हम बात करते हैं ट्रायल सेट के बारे में। तो ये ट्रायल सेट आप 3 तरह के देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। ये तीनों के अलग अलग रेंज है, अलग अलग क्वालिटी है। ये तीनों ही 4 हज़ार 5 हज़ार, और तीसरा जो है वो काफ़ी महंगा आता है, काफ़ी एक्सपेंसिव है वो। तो वो आप जैसे भी चाहें वैसा ले सकते हैं। और ये होती है चेयर यूनिट। चेयर यूनिट पे क्या होता है, ये एटलीस्ट 70 से 80 हज़ार रुपये की आती है, 80 हज़ार 90 हज़ार 1.5 लाख 2 लाख ऐसे आती है। तो उसमें अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, वो अपने हिसाब से देख सकते हैं आप। इस पर आपका स्लिट लैम्प रख सकते हो, आप स्लिट लैम्प का पूरा सेटअप लगा सकते हो, और AR रख सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। और उसके बाद आता है ये मोटराइज टेबल। मोटराइज टेबल में क्या होता है, ये आपका काफ़ी ज़्यादा काम आता है। जैसे कोई चीज़ आपको अप डाउन करनी है, ये मान लो आपके पास चेयर यूनिट नहीं है, तो उस केस में भी आप मोटराइज टेबल से अपना काम चला सकते हो। उसके बाद आता है आपका लेंसोमीटर। लेंसोमीटर यहाँ पे 2 तरह के होते हैं। जो पहला आप देख रहे हैं ये मैनुअल लेंसोमीटर है, और इसके बाद जो ये आप देख रहे हैं ये आपका ऑटोमेटिक लेंसोमीटर है। मैनुअल लेंसोमीटर जो आपका स्टार्टिंग हो जाती है वो 6 हज़ार 7 हज़ार से हो जाती है, 8 हज़ार 9 हज़ार 10 हज़ार, और जो ऑटोमेटिक लेंसोमीटर है ये 55 हज़ार 60 हज़ार 65 हज़ार 1 लाख 1.5 लाख ऐसे रहता है। उसके बाद आता है आपका AR। AR में क्या होता है कि AR का आपका काफ़ी सारे कंपनी का आता है AR। AR की जो स्टार्टिंग हो जाती है वो 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये 3 लाख रुपये ऐसे रहती है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप AR कौन सा लेना चाहते हैं, कौन सी कंपनी का लेना चाहते हैं, कंपनी वाइज इसके रेट होते हैं। इसके बाद आता है आपका ये PD मीटर। PD मीटर जो यूज़ होता है वो होता है आपका पीपल डिस्टेंस निकालने के लिए, जो आपके पीपल का डिस्टेंस होता है वो निकालने के लिए यूज़ होता है। ये भी एटलीस्ट 5 से 6 हज़ार रुपये का आता ही आता है। उसके बाद आता है आपका स्लिट लैम्प। स्लिट लैम्प जो यूज़ होता है वो आपका आई एग्जामिनेशन के लिए यूज़ होता है, और उसमें ये आपका देख सकते हैं, उसमें बगल में आप दिख रहे हैं ये होता है आपकी ए टी मतलब एप्लीनेशन टोलोमीटर। इसमें क्या होता है, ये आपका आइज का प्रेशर निकालने के लिए यूज़ होता है। और ये जो आप सारे लेंसेज देख रहे हैं ये स्लिट लैम्प टाइम पे ही यूज़ करे जाते हैं, ये आपका फंडस देखने के लिए, रेटिना देखने के लिए ये सारे लेंस यूज़ करे जाते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये आपका विजन ड्रम होता है। विजन ड्रम, विजन चार्ट, कुछ भी कह सकते हैं उसको आप, अलग अलग है। तो ये सबका अलग अलग ही प्राइस है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं आप, जैसे ही आपने विजन ड्रम देखा वैसे ही आपका ये नियर विजन ड्रम है। नियर विजन के लिए जब आप नियर का विजन लेते हैं तो उस टाइम पे इसको यूज़ करा जाता है। फिर आ जाती हैं आपकी फिटिंग मशीनें। फिटिंग मशीनें में आपका कटर मशीन हो गई। कटर मशीन के बाद जिससे आप शेप बनाते हैं, जिससे आप ग्रुप बनाते हैं, वो मशीन हो गई आपकी। और फिर उसके बाद आ जाती है आपकी हीटिंग मशीन। हीटिंग मशीन से जैसे कि आपके पास कोई फ्रेम आया, फ्रेम आपका टेढ़ा मेढ़ा हो गया है वो, तो अगर आपका वो शीट का फ्रेम है तो आप उसको हीट करके उसकी शेप दोबारा ठीक कर सकते हो। फिर आती है आपकी, जैसे आप रिमलेस कभी बनाते हो, रिमलेस की फिटिंग करने में जो आपका छेद होता है उसको करने में। फिर आती है आपकी सुप्रा मशीन।
जैसे सुपरा फ्रेम होते हैं जो भी, उसके अंदर जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को बनाने के लिए, उस नाली को बनाने के लिए इस मशीन का काफ़ी अच्छा यूज़ रहता है। अगर आपको ये सारी मशीनें नहीं ख़रीदनी हैं तो आपको बस खाली एक मशीन ख़रीदनी होगी, वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन रहती है। इसमें हर तरह के फ्रेम फिटिंग हो जाते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है आपका यहाँ पे टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में आपका नोज पैड हो गया, जो छोटे मोटे नट होते हैं, आपकी डंडियाँ होती हैं साइड की, प्लास होता है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके टूल बॉक्स के अंदर। ये सारा टूल बॉक्स आप एक साथ ही ले सकते हो या पार्ट्स बाई पार्ट्स ले सकते हो। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे रेटिनोस्कोप, ऑप्थल्मोस्कोप। रेटिनोस्कोप का तो यूज़ रहता है आपका टेस्टिंग करने में, ऑप्थल्मोस्कोप का यूज़ रहता है आपका फंडस देखने में। तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों की अगर इस टाइम पे वैल्यू मानी जाए तो करीबन 30 से 40 हज़ार रुपये एक की है, एक की। और रेटिनोस्कोप आपका 25 से 30 हज़ार रुपये का है, ऑप्थल्मोस्कोप भी 25 से 30 हज़ार रुपये का है। दोनों की मत समझिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट के अपने, तो अगला हमारे पास आता है यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोप। इनडायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोप वैसे तो थोड़ा ऑप्टिकल से अलग आ जाता है, ये क्लिनिकल में आ जाता है, लेकिन अगर आपको नॉलेज है अच्छी और आप अपना अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये कैरेटोमीटर। कैरेटोमीटर आपका, इसका भी क्लिनिकल में यूज़ है, ऑप्टिकल में तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन आप इसको रखना चाहो तो रख सकते हैं। और अगर उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर, उसका आता है आपका यहाँ सैनेप्टोफोर। सैनेप्टोफोर भी अपना एक क्लिनिकल यूज़ है, इसका भी ऑप्टिकल में ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो। हाँ, अगर आपको एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए पूरे क्लिनिकल सेटअप के बारे में तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं, तो हम उसके ऊपर भी जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वारीज हो, प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।